मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास। देखिए नाइन्थ क्लास, आज अपन पढ़ेंगे सबक अपना काम खुद करो। देखिए कौन सा सबक पढ़ रहे हैं अपन, अपना काम खुद करो। तो देखिए, गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। देखिए ये कहानी है, कहानी के अंदर बताया गया है कि अपना काम खुद करो। तो इसमें एक कहानी बताई गई है कि गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने छोटे छोटे तीन बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। देखिए जब चिड़िया बाहर चली जाया करती थी तो उसके बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए, अब क्या कह रहे हैं कि कुछ दिन गुजर गए, अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे। क्या कह रहे हैं कि अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा, देखिए एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा। तो देखिए बच्चे क्या देखते हैं कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखिए एक चिड़िया थी, वो गेहूं के खेत में उसने घोंसला बना रखा था और वो अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। जब चिड़िया दाना लाने जाती, चिड़िया के बच्चे घोंसले में ही रहते थे। बच्चे छोटे थे, वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अभी भी बच्चे उड़ नहीं सकते थे। तो देखिए जब चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए कहाँ आ रहे हैं, खेत की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए, देखो देखो कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। देखिए एक बच्चे ने क्या कहा, देखो देखो कोई आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे। किसने कहा, एक बच्चे ने कहा कि चुप रहो, वो हमें देख लेंगे। दूसरे ने कहा, बच्चे चुप हो गए। तो देखिए दूसरे ने कहा कि चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, और बच्चे क्या हो गए, चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया। देखिए किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत के करीब आ गए, और करीब आकर किसान ने क्या करा कि गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है। तो देखिए और क्या कहा कि देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। क्या कहा किसान ने अपने बेटे से, एक पौधा दिखाया और पौधा दिखाकर कहा कि देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब दो तीन दिन में ही, क्या कह रहे हैं, अब दो तीन दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। क्या कहा गया है कि अब दो तीन दिन में ही हमें क्या करना चाहिए, इसको काट लेना चाहिए, उसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। लेकिन किसान ने क्या कहा कि इस खेत को हम किससे कटवाएंगे, अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा हम उनके से कह दें, क्या कह रहे हैं,
किसान ने अपने बेटे को पौधा दिखाया और पौधा दिखाने के बाद कहा कि देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब गेहूं पक गए हैं और 2-3 दिन में ही हम इसको काट लेना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, हम हमारे पड़ोसियों से कह देते हैं, वो हमारे खेत में गेहूं काट देंगे। तो देखिए ये बातें किसके बीच हुई हैं, किसान और उसके बेटे के बीच में होती हैं। अब देखिए किसान की ये बातें सुनकर बच्चे डर गए। जब किसान की ये बातें चिड़िया के तीनों बच्चों ने सुनी तो किसान की ये बातें सुनकर बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते हैं। क्या कह रहे हैं, किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। क्या कह रहे हैं, उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। चीं 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 चीं, क्या हुआ, चीं 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 चीं, सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। जैसे ही चिड़िया आई बच्चे कैसे चिल्लाने लगे, चीं 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 चीं, सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। माँ माँ, क्या कहते हैं चिड़िया के बच्चे, माँ माँ चलो यहाँ से चलें। क्या कहते हैं, माँ माँ चलो यहाँ से चलें। एक ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक ने क्या कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने कहा, तीसरा बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। देखिए क्या कहा तीसरे ने, तीसरा बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। अब देखिए चिड़िया ने पूछा, अब देखिए सारी बात सुनकर चिड़िया पूछती है, चिड़िया ने पूछा, क्यों क्या बात है। जब बच्चे डरे हुए थे और आते ही बच्चे चिल्लाने लग गए और बच्चों ने कहा कि मामा यहाँ से चलो, तो चिड़िया ने पूछा, क्यों क्या बात हो गई जो आप यहाँ से चलने की बात कह रहे हैं। तो देखिए क्यों क्या बात है, चिड़िया ने कहा, क्यों क्या बात है, तुम सब क्यों डरे हुए हो। क्या कहती है चिड़िया, तुम सब क्यों डरे हुए हो। तो देखिए एक बच्चे ने कहा, देखिए एक बच्चे ने कहा, माँ जब तुम दाना लाने गई हुई थी। क्या कहता है एक बच्चा कि माँ जब तुम दाना लाने गई हुई थी, जब किसान और उसका बेटा यहाँ आए। क्या कह रहे हैं कि जब माँ जब तुम दाना लाने गई हुई थी, तब किसान, क्या कह रहे हैं, तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। क्या कह रहे हैं, जब तुम दाना लाने गई हुई थी, तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था, क्या कहते हैं बच्चे माँ को बताते हैं कि किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में, क्या कह रहा था किसान, किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। क्या कहते हैं कि किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। तो देखिए ये सारी बातें किसने कही, किसान चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया को बताई जब चिड़िया दाना लेकर आई। तो देखिए ये थी अपन की सबक, सबक नंबर 2, अपना काम खुद करो। तो ये अपन ने कुछ पढ़ लिया है और इसका कुछ हिस्सा अपन आगे वाला आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपको पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि एग्जाम में
इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, तो आपको याद भी करना है और पढ़ना भी है और इसको लिखना भी है। तो देखिए, आप इसको पढ़ें और इसको याद करें और इसे लिखें और इसके सवाल जवाब भी देखें। आगे का सबक कल देखते हैं अपन, ठीक।